गोलियों की ये गूंज यूपी के पूर्वांचल में आज भी सुनाई देती है। आज भी जिंदा है बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या की वो कहानी जिसने यूपी को हिलाकर रख दिया था। 14 साल पहले यूपी के गाजीपुर में सनसनीखेज हत्या को लोग आज तक नहीं भूले हैं। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या यूपी की पहली राजनीतिक हत्या थी। इस हत्या के पीछे पूर्वांचल में पल रहे माफिया और राजनीति के गठजोड़ का खेल था। और जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय को सरेआम गोलियों से भून दिया गया तो यह खेल दुनिया के सामने आ गया। और इस हत्याकांड में जो शख्स आरोपों से घिर गया वो था मुख्तार अंसारी। जी हां, वही मुख्तार अंसारी जिसे पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या कैसे हुई थी, इस हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम कैसे आया, ये बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं साल 2005 में, जब मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में था। साल 2005 के अक्टूबर महीने में मऊ में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा भड़का। इस दंगे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 13 दिन तक चली हिंसा और आगजनी में मऊ में कई इलाके अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी की यह तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में मुख्तार खुली जीप में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। मुख्तार पर दंगे भड़काने का आरोप लगा, जबकि मुख्तार अंसारी का दावा था कि वो उग्र भीड़ को शांत कर रहा था। बाद में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो जेल चला गया। देखिए, मुख्तार का जो अगर हम 2017 के रिकॉर्ड को देखें, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को देखें, तो उन्होंने अपना जो हलफनामा दिया है उसमें 16-17 मामले उनके ऊपर दर्ज है और उसमें वो सारे केस हैं जो सामान्य तौर पे अपराध की दुनिया में कम लोगों पे होते हैं।